बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी KFC स्टाइल में चिकन फ्राइड की। तो चलिए इसे मैंने कैसे बनाया है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये 1.5 kg चिकन, और ये चिकन मैंने स्किन वाली लिया है क्योंकि KFC के लिए हमें स्किन वाली चिकन की ज़रूरत होती है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, फिर आप स्किन वाली ले सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो अब हम करते हैं इसको मैरिनेट। तो यहाँ पर मैंने ये 1/2 कप लिया है मिल्क। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 अंडे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये है रेड चिल्ली पाउडर 1.5 टीस्पून, इसमें हम ऐड करेंगे ये विनेगर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और नमक हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। तो चलिए अब हम एक एक करके चिकन को मसालों में ऐड कर देंगे, और कम से कम हम इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और जितने अच्छे से ये मैरिनेट होगा उतना ही ये अंदर से टेंडर और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए मैंने इसे मसालों में ऐड कर दिया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं एक साइड पे। तो 3 आवर होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है, मसाले सब ऑब्जर्व हो चुके हैं इसमें। तो अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप लिया है मैदा, इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये मैंने मिक्स ओरिगैनो और जो गार्लिक पाउडर होता है उसको लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किया था, हम इसे ऐड कर देंगे। नमक हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमने मैरिनेट करते टाइम नमक ऐड कर दिया था। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को ड्राई इंग्रेडिएंट में कोट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी में डालने के बाद एक बार और हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे चिकन को कोट कर लेंगे। तो सारे चिकन मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो जैसे ही ये 5 मिनट तक फ्राई हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे।
तो आप सबको मैंने बहुत ही ईजी वे में ये KFC स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर किया है। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इसका फीडबैक आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। अगर आप सब ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप सब मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ये इसको मैंने फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल दिख रही है और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी बना है ये। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरे चैनल को आप सब ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।